नमस्कार, आपका स्वागत है मिक्सबॉक्स में। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेडमी नोट 8, जो कि एक बहुत ही अच्छा बजट फ़ोन है दोस्तों, जो कि रेडमी की तरफ से है, जो कि आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, 48 मेगापिक्सल। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा अमेजन का पैकेज जिसमें आ चुका है हमारा रेडमी नोट 8। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इससे पहले खोल लेते हैं इसका पैकेट। ये रहा हमारा फोन, जैसा कि आप देख सकते हैं 4GB 64GB वर्शन है ये, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा रेडमी नोट 8। अभी मैं इसको पलट देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट एंड बैक, बोथ ऑफ द साइड्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है और इट कम्स विद ए 4000 mAh बैटरी। इसमें आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट और ये मूनलाइट वाइट में है, 4GB 64GB। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस वाइड एंगल मैक्रो प्लस डेप्थ लेंसेज का मेंशन किया गया है। यहाँ पे IR ब्लास्टर भी है, डुअल वोल्टी है ये, 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी है और यहाँ पे दावा कर रही है MI कि ये स्प्लैश प्रूफ भी है। तो चलिए खोलते हैं इस पैकेट को। तो पैकेट को हम यहाँ पे इस सील को ले कर काट लेते हैं। तो चलिए करते हैं फोन की अनबॉक्सिंग। पैकेज तो बहुत ही अच्छा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये रहा हमारा फ़ोन, इसको साइड में रखते हुए हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये रहा हमारा 18 वाट चार्जर, जो कि एक फास्ट चार्जर दिया है रेडमी ने, और ये रहा हमारा इसके साथ आने वाला टाइप सी केबल, और बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको बॉक्स में साइड में रख देते हैं। ये यहाँ पे है हमारा एक सिम इजेक्टर टूल, ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स, और ये रहा इसका बैक कवर। अब फोन की तरफ चलते हुए ये देखिए रेडमी नोट 8 मूनलाइट वाइट, देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। कलर इज़ वेरी गुड शाइनी, आप देख सकते हैं एक माइक्रो SD और दो सिम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारा क्वाड कैमरा का सेटअप है। तो चलिए फोन को करते हैं स्टार्ट। फोन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं फोन के कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हमें यहाँ पे मिलता है 6.3 इंच का IPS डिस्प्ले, ये रहा हमारा सिम इजेक्टर ट्रे जो कि मैंने पहले से खोल के रखा है, जहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड और दो सिम स्लॉट आपको मिल जाते हैं, इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा टाइप सी पोर्ट, ये है स्पीकर ग्रिल, ये 3.5 mm जैक माइक्रोफोन विथ नॉइस कैंसलेशन, और यहाँ पे ऊपर में हमें मिलता है IR ब्लास्टर, और यहाँ पे भी है एक माइक। और इसका जो बैक साइड है दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद आया है, ये हुआई P30 Pro की तरह है कुछ कुछ, ऐसा ऐसा उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। जो मूनलाइट कलर है बहुत अच्छा लगता है, रेडमी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। ये कैमरा बम्प जो है ये भी आजकल नया ट्रेंड है, मुझे इतना पसंद नहीं है बिकॉज इसमें स्क्रैचेस पड़ने की चांसेस हैं,
लेकिन इसका फिंगरप्रिंट का जो पोजीशन है इन्होंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। अब करेंगे हम फोन को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट। देखिए फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत स्मूथ है, रेस्पॉन्सिव है। अब चलिए देखते हैं इसका फेस डिटेक्शन टेस्ट। जैसा कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसने फेस को वेरीफाई कर लिया है, लेकिन हमेशा इसको आप स्वाइप जब करेंगे तभी खुलेगा। तो चलिए अब सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन हमें 9 मिल रहा है और MIUI 10 है। कुछ दिन के बाद हमें 11 मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इसके कैमरे की तरफ। ये जो कैमरा है ये इसका प्राइमरी कैमरा है, जो कि 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो खींचता है। दोस्तों आप मेरी बात अच्छी तरह से सुनिए, 12 मेगापिक्सल में ही फ़ोटो खींचेगा ये। अगर आपको 48 मेगापिक्सल में खींचना है तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप फोटो 48 मेगापिक्सल का फ़ोटो खींच पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रहा इसका अल्ट्रा वाइड लेंस जिसमें आप अल्ट्रा वाइड फ़ोटो खींच पाएंगे, और ये रहा इसका मैक्रो लेंस जिससे आप मैक्रो शॉट्स ले पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के डिटेल्स आप यहाँ पे ले पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी है जो कि रेडमी ने दिया है, नाइट मोड भी है, पैनोरामा मोड भी है, और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दे हैव ऑल्सो गिवन ए प्रो मोड। यहाँ पे अगर आपको कैमरे की शेयर क्वालिटी अगर आपको देखनी है, अगर आपके पास वैसा एक्सपीरियंस है, धैर्य है, तो इसको आप सीखिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फोटो खींच पाएंगे। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे पबजी परफॉर्मेंस रेडमी नोट 8 पे। ग्राफिक्स तो बहुत ही अच्छा है इसका, इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही उम्दा ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा है। आजकल हर एक गेमर के मोबाइल में आपको पबजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने और इसी के साथ और एक बढ़िया किल और एक जबरदस्त किल, मजा आ गया एकदम। पबजी का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं आप रेडमी नोट 8 पे। तो चलिए अभी देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का परफॉर्मेंस कैसा है। स्टार्ट करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी, चलिए देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का परफॉर्मेंस किस तरह से आता है। पबजी जब हमने खेला है हमें लैग नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि कॉल ऑफ ड्यूटी में भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी स्टार्ट कर लिया है बैटल रॉयल। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई लैग नहीं है, बहुत स्मूथ चल रहा है गेम। यहाँ पे हमको दुश्मन की तलाश और दुश्मन को हमारी तलाश। इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा और बहुत ही उम्दा ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। हमें हमारे पहले किल की तलाश। गेमिंग रिव्यू के बाद हमने वीडियो के आखिर में कुछ सैम्पल शॉट्स यहाँ पे अटैच किए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा किस तरह का है। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।